देश में कोरोना के घटते मामले संकट की घड़ी में खुश होने की वजह बन रहे हैं। करीब 6 महीने बाद देश में कोरोना के केस 15,000 से कम आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 12,481 कोरोना संक्रमित मिले, ये 16 जून के बाद सबसे कम है। तब एक दिन में 11,085 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में अब तक 1,04,00,000 कोरोना संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 1,51,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश भर में 2,13,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। राहत की बात ये है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। एक्टिव केस 2.15% है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 306 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि इनमें से 460 लोग ठीक हुए हैं और 13 की मौत हो गई। वही कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,438 लोग संक्रमित मिले, इनमें से 4,286 लोग ठीक हुए और 40 की मौत हुई। यहां अब तक 19,71,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि अब तक 50,101 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों की मॉनिटरिंग करने के लिए केंद्र सरकार की टीम सोमवार को केरल पहुंची। टीम के विशेषज्ञों ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा और अफसरों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए कई सुझाव राज्य सरकार को दिए। इस बीच दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,13,00,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि दुनिया भर में 6,52,00,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 19,52,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2,31,00,000 से ज्यादा हो चुका है। अब तक 3,85,000 लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमेरिका में सोमवार को लगातार 41 दिन भी 1,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।